हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 21 नवंबर गुरुवार का दिन है। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, निष्कृति में वृद्धि हो सके, ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सके, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको सावधान और सतर्क होकर रहने की जरूरत है, आज आपको कौन सी परिस्थितियों का तथा कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, इन समस्याओं से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, आज आपको कौन सी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आज कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह दूर होंगी, आपके आमदनी में बढ़ोतरी होंगी, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत बन रही है, अचानक आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, इनके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के संकेत बन रहे हैं। आपके अपने सोचे हुए कार्य शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत ही शुभ बदलाव देखने को मिलेगा। आपको भविष्य में फायदा मिलने वाला है। आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज का दिन काफी लाभ मिल सकता है। कारोबार में कुछ लोगों की सहायता मिलेगी। प्रेम संबंधों में खुशियां बनी रहेगी। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ रिश्ते आपके मधुर बनेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है आपका खोया हुआ प्यार या बिछड़ा हुआ प्यार आपको मिल सकता है। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। निराशा के बदले अब निराशा के जो बादल थे आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और धन से जुड़ी सभी प्रकार के जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। मित्रों, इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज आपकी किस्मत काफी साथ दे रहा है। मित्रों, आपको शनिदेव की कृपा से आप तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सबसे अधिक रहेगी जिसके कारण आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं तथा आपका रुका हुआ धन भी आपके पास वापस आ जाएगा। पुराने समस्याएं खत्म हो जाएंगी और मूड अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के मौके मिल सकते हैं। पुराने निवेश से भी आपको फायदा होगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके परेशानियों को निपटाने के लिए दूसरों से बात करें। आप बहुत उधार भी रहने वाले हैं। परिवार के किसी सदस्य से मदद आपको धन लाभ करवा सकता है। परिवार में ही किसी को पैसा दे सकते हैं। पसंदीदा कामों में या दोस्तों के साथ बिजी हो सकते हैं। कोशिश करने से सफलता आपको जरूर मिलेगी। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है जिसकी वजह से आप जिस भी कार्य को आप करोगे उसमें आपको तरक्कियां जरूर मिलेगी। इनके साथ साथ आपके जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियों को भी देखना पड़ सकता है जिनके बारे में आइए हम बात करते हैं। मित्रों, अचानक आने वाली समस्याएं आपको परेशानी में डाल सकती है। ये समस्याएं आपके काम में उथल पुथल का कारण भी बन सकती हैं। समय और जीत इस चुनौती का सामना करें, आप फिर से सही रास्ते पर आ जाएंगे। आप उन लोगों से थोड़े से हताश और निराश हो सकते हैं जिन्होंने आपको निराश किया है। आप महसूस करेंगे लोग वादे तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। आपको अपने मन को शांत रखना है। आपके काम में यह व्यवधान अस्थायी है जो समय के साथ अपने आप गायब हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आप क्रोध और चिंता की चपेट में हैं। उनके जीवन के कई क्षेत्रों में प्रगति की धीमी गति के कारण कुछ निराशा भी आपके हाथ लग सकती है, लेकिन इस स्थिति के बारे में आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि यह आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हैं। इसे आपको बताना चाहेंगे कि इसके साथ ही आप अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए नई योजनाएं भी बना सकते हैं। आप खुद को समाज सेवा के प्रति आकर्षित पाएंगे। इस दिन आप हर तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे वह धन हो या फिर समय से संबंधित। दिन के अंत में आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना खुशखबरी और कितनी सुकून भरी जिंदगी मिलने वाली है। काम के बदौलत आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी प्रशंसा देखने को मिलेगी। आज आपके बॉस आपके काम से काफी प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, वाणी पर नियंत्रित रखें। आज आपके कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति से अनबन हो सकती है जिसकी आप काफी जमती है, या फिर किसी अनजाने व्यक्ति से आपके मनमुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा लड़ाई की नौबत भी आ सकती है। आज सामान की रक्षा स्वयं करें। वह आज आपका पैसे फिजूल खर्चों पर ज्यादा व्यर्थ कर सकते हैं। पैसों का हिफाजत करें। पैसों को भविष्य के लिए इकट्ठा करें ताकि भविष्य में आपके साथ ये पैसे खड़े हो सकें।
मित्रों आपका दिन काफी बेहतर रहने वाला है और आज का दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ।